बच्चों, कल हमने कक्षा 6 के पाठ 9 में एक कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था टिकट एल्बम, जो कि दो दोस्तों की कहानी थी, दो लड़कों की कहानी थी इसमें, नागराजन और राजप्पा। तो चलिए बेटा, आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों, और इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो उसने अपने पहले पेज पर जो उसकी एल्बम थी नागराजन की, उस पर क्या लिखा हुआ था, जो कि उसके मामा जी ने उसको सिंगापुर से भेजी थी, तो उस पर लिखा हुआ था पहले पेज पर AM नागराजन, और नीचे ही कुछ पंक्तियों में लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ऐसा इसलिए कि लिखा था उसने ताकि उसे कोई भी चुराने की कोशिश ना करे, और यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास ही रहे। और कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर उसका क्या असर हुआ था, उन्होंने भी उन पंक्तियों को सबने फट से अपनी कॉपी में उतार लिया था। प्रश्न 2 देखिए कि नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई। जब नागराजन का जो एल्बम था वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है, यानी कि सब बच्चों को बहुत पसंद आता है, हर तरफ उसी के चर्चे उसी की बातें हुई, तो तब राजप्पा के मन को कैसा लगा, क्योंकि राजप्पा के पास भी था एक एल्बम, और उसका उससे पहले जबकि बच्चे उसके एल्बम देखना पसंद करते थे, लेकिन जब से नागराजन के पास एल्बम आ गया था तो सबने राजप्पा की एल्बम को देखना कम कर दिया था। तो इससे राजप्पा के मन की क्या दशा हुई थी, उस पर क्या बीता। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के कारण राजप्पा जो है वो मन ही मन कुढ़ने लगता है ना, वो चिढ़ता भी है नागराजन से, और अपने फालतू के टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की वो सोचने लगता है, ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए, और सब नागराजन का एल्बम ना देख करके उसी का एल्बम पसंद करें। लेकिन उसने मौका देखकर जो है नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। अब प्रश्न 3 देखिए, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। अब ये तो आपको भी पता होगा, जब हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है ना। हम उस काम को करते तो हैं, लेकिन हमारा मन उस काम में हमारा साथ नहीं देता है, हमें बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। तो उसी तरीके से राजप्पा भी जब उसकी एल्बम को चुरा रहा था तो वो एक गलत कार्य कर रहा था, जिससे कि उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा बेचैनी भी थी, उसको ये भी था कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसको ये भी था कि कहीं वो मुझे कोई देख ना ले, है ना, और मेरी पिटाई ना लग जाए। और एल्बम चुराते समय जो राजप्पा था उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, वो बहुत घबरा रहा था कि कहीं उसे कोई चोरी करते हुए ना देख ले। घर जाकर भी उसको ऐसा ही लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा है ना, उसे रात में उसने खाना भी नहीं खाया, उसका चेहरा जो था वो भी भयानक हो गया था, घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो रहे थे, रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, वो कभी एल्बम को तकिए के नीचे रख के सोता, कभी किसी चीज़ के पीछे रखता। और एक उसका दोस्त जब उसके घर आता है और वो उसके बारे में आकर बताता है कि आज तो नागराजन का एल्बम चोरी हो गया, वो बहुत रो रहा था, उसके पापा पुलिस में हैं, वो तो पुलिस को लेके आएंगे, तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो हम डरेंगे भी नहीं। प्रश्न 4 देखिए, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। जब वो राजप्पा नागराजन का टिकट एल्बम चुरा कर ले जाता है तो अब तो वो चोरी कर लिया था उसने, लेकिन उसके बाद भी उसने उसको जला दिया, तो उसने ऐसा क्यों किया। उसने सोचा
कि कहीं ऐसा ना हो कि नागराजन के जो पिता हैं वो पुलिस में थे और कहीं वो पुलिस में शिकायत ना कर दे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी, है ना। और अप्पू ने राजप्पा को बहुत ज़्यादा डरा दिया था, उसने भी तो आके बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी बताई थी कि वो डर गया था। तो जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा को क्या लगा, उसे लगा कि जैसे पुलिस आ गई है और अब वो उसको पकड़ लेगी और एल्बम भी ले लेगी और उसको जेल में डाल देगी। तो उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता ही ना चले, क्योंकि वो जल जाएगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि एल्बम उसके पास थी। अब देखिए प्रश्न 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। तो जैसे जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद यानी उनका रस चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, तो उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लेके आता था अपनी एल्बम में लगाने के लिए। तो इस प्रकार जो राजप्पा का टिकटों का संग्रह था मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था, और इसी समानता के कारण लेखक ने जो उसकी तुलना है वो मधुमक्खी से की है। अब देखिए बेटा कहानी से आगे में कुछ प्रश्न हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं कि इनमें क्या पूछा है। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे उनमें से एक सिक्के हैं, कुछ अन्य चीज़ों के बारे में तुम सोचो कि जो जमा किया जा सके और उनके नाम लिखो। तो ऐसी और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त, जैसे पेंटिंग्स, है ना। किसी किसी को पेंटिंग्स का शौक़ होता है ना, वो हर तरह की पेंटिंग अपने पास रखता है। किसी को बैग का शौक़ होता है, वो हर तरह का बैग लेना पसंद करता है। किसी को जूतों का शौक़ होता है, किसी को और कुछ अन्य चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, या पुराने नोट इकट्ठे करने का शौक़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को अलग अलग शौक़ होते हैं जिससे कि वो उन चीज़ों को जमा करना पसंद करते हैं। प्रश्न 2 देखिए कि टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है, तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। तो राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में पूरी जी जान लगा दिया था, वो जगह जगह जाता था, दूर दूर जाता था एक एक टिकट लाने के लिए। और इसे टिकट इकट्ठा करने की इतनी धुन थी कि वो उसके पीछे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता था, खड़े खड़े दूध पी जाता था, खड़े खड़े चने खा के वो भाग जाता था बस टिकट लेने। और बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु जो नागराजन था उसको बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया था, है ना, क्योंकि उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था। तो उसने तो कोई मेहनत उसमें करनी ही नहीं पड़ी थी, तो इसलिए उसको और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने इतनी परेशानी से इतनी मेहनत करके एक एक टिकट बटोरा, एक एल्बम बनाई। यदि मुझे टिकट है और यदि आपको बनाना हो टिकट एल्बम तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें अपना तरीका लिखोगे, है ना, कि आप जो है राजप्पा का तरीका अपनाओगे, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। प्रश्न 3 में देखिए कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो टिकटों का जो वर्गीकरण है वो निम्न आधार पर किया जा सकता है, जैसे पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर आदि। प्रश्न 4 में है, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है। करवाते हैं ना बहुत सारे लोग, सोचो और अपने दोस्तों से इस विषय पर बातचीत करो। तो चीज़ें जो इकट्ठे करने का शौक़ है वो जब किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेहद शौक़ हो जाता है, वो दिन रात उसी शौक़ के पीछे पागल होता है,
तो वो दुनिया के बाकी लोगों को भी पीछे छोड़ देता है। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका नाम, यानी जब वो पहले नंबर पर आ जाता है उस शौक में, तो उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाता है। अक्सर जो है प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा किसी ने बहुत ज़्यादा दौड़ लगाई, किसी ने बहुत सबसे ऊंचे पर्वत की कितनी बार जो है चढ़ाई की, तो ऐसे और बहुत सारे शौक़ होते हैं। किसने बाइक से सबसे लंबा सफ़र किया, किसने तैरकर सबसे लंबा सफ़र किया। तो जो भी उस काम को सबसे ज़्यादा करता है, जिसका पहले नंबर पर नाम आता है, उसी का गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाता है। तो बच्चों, आज आपने प्रश्न किए आपके पाठ, कौन सा पाठ है आपका, ये 9 टिकट एल्बम। तो आपने इसके जो प्रश्न उत्तर किए आपको कैसे लगे, समझ में आए होंगे, याद भी हो गए होंगे, तो इनको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। धन्यवाद।